हेलो गाइस, लर्न इंग्लिश इन 90 आवर्स में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, तो लेट्स स्टार्ट। तो या सो पास्ट परफेक्ट टेंस पे जाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा जो इस टेंस में और इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिस्कस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। ऑब्वियसली लाइक हम इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब वो होती हैं जो आपकी मेन वर्ब को सेंटेंस में असिस्ट करती हैं, उसके मीनिंग में उसको असिस्ट करती हैं। जैसे आपको पता होगा कि एक डॉक्टर होता है और उसके साथ एक पूरा स्टाफ होता है जो उसको प्रॉपर ऑपरेशन करने में हेल्प करता है, उसी तरह आपकी मेन वर्ब के लिए एक हेल्पिंग स्टाफ की तरह रहती हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में आपकी हैड एज एन हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, हमारे पास दो तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट लाइक सिंगुलर, जैसे ही लड़के के लिए यूज़ होता है, जो हमारा मेल जेंडर होता है उसके लिए, शी वह लड़की फीमेल जेंडर के लिए यूज़ होता है। इट ज़्यादातर केस में हम लोग उसको पेट्स और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो निर्जीव चीज़ें, उनके साथ यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमारे नाउन्स होते हैं, ठीक है, जो किसी भी व्यक्ति वस्तु का नाम होता है। प्लूरल में हमारा आई आता है, मैं, यू, तुम, वी, हम और दे, वे। ज़्यादातर केसेस में हम लोग आई को एज एन प्लूरल ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए, इससे आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का बहुत, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। चलिए जी, तो आज का मेन एजेंडा हमारा वही रहेगा जैसा कि हमने पिछली वीडियो से शुरू किया था। उसी तरह से हम लोग पहले देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, कैसे आप उसके सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो, और उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, आपके असर्टिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस की यू नो फॉर्मेशन कैसे होती है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वो आपका ऐसा टेंस है जो पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी काम के कंप्लीशन की तरफ इशारा करता है, ठीक है, कि वो उस टाइम पर काम हो चुका था। तो ऐसा टेंस जो होता है वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी आइडेंटिफिकेशन पे डिस्कशन करते हैं कि कैसे पता लगता है हमें। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, किया था, दिया था, गया था, ये कुछ ऐसे यू नो इंडिकेटर्स हैं। अगर हिंदी में किसी सेंटेंस के पीछे आपको ये चीज़ें दिखती हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट होगा। और इसकी अगर आपको फॉर्मेशन बनानी हो, आपको इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करना हो, उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आपके पास सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद हैड आती है जो कि हेल्पिंग वर्ब है। हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में वीडियो के ये चीज़ देख ली थी कि हेल्पिंग वर्ब की नीड होती है, और हैड जो हमारी वो वी थ्री वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आती है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे वह खाना खा चुका था, तो यहाँ पे आपने चुका था देखा है बिल्कुल एंड पे, तो इससे पास्ट परफेक्ट टेंस की यू नो एक इंडिकेशन हमें मिली है, ये इंडिकेटर है ना उसका। तो उसके बाद अगर आप देखोगे ही, वह मेरा सब्जेक्ट है ही, और हैड एज एन हेल्पिंग वर्ब मेरे पास आया, और टेक मील जो होता है वो मतलब खाना खाना, ठीक है। तो उसी की थर्ड फॉर्म में लिखे टेकन मील, वह खाना खा चुका था। नेक्स्ट एग्जांपल, मैं घर जा चुका था, आई हैड गॉन, गो की थर्ड फॉर्म गॉन होम, मैं घर जा चुका था। वे मैच जीत चुके थे, तो यहाँ पे भी चुके थे आपका इंडिकेटर है। दे हैड वन द मैच, ठीक है, दे हैड वन द मैच। राम ने होमवर्क कर लिया था, राम हैड डन हिज होमवर्क, राम ने होमवर्क कर लिया था, तो यहाँ पे लिया था आपका इंडिकेटर है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तुम खाना खा चुके थे, यू हैड ईटन फूड, ठीक है, इसको आप टेकन मील भी कर सकते हो, बिल्कुल सेम है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारे सब्जेक्ट्स कवर करने की कोशिश करी है, बी टी और प्लूरल और सिंगुलर। जैसे ही आपका सिंगुलर है, आई आपका प्लूरल है, दे आपका प्लूरल है, राम आपका नाउन हो गया, और यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं इससे नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते होंगे, कि वह खाना, उसने खाना नहीं खाया था, ठीक है, वह घर नहीं जा चुका था, या मैं अभी नहीं आ चुका था, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसको आपको नेगेटिव में बनाना हो, तो बहुत ही सिंपल फॉर्मेशन है, आपको हैड के साथ जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ आपको नॉट अटैच करना होता है। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। उसने खाना नहीं खाया था, ही हैड नॉट टेकन मील, ठीक है, तो आपने हैड के साथ नॉट अटैच कर दिया। मैं घर नहीं गया था, आई हैड नॉट गॉन होम। वे मैच नहीं जीत चुके थे, दे हैड नॉट वन द मैच। राम ने होमवर्क नहीं किया था, राम हैड नॉट डन हिज होमवर्क। तुमने खाना नहीं खाया था, यू हैड नॉट ईटन फूड।
ठीक है। तो इस तरह से हमने हैड के साथ नॉट अटैच किया, जो कि हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ नॉट अटैच करके हम इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं हम लोग। इसमें हमारी जो थर्ड फॉर्मेशन आती है वो हमारी है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस रिलेटेड। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, यस नो क्वेश्चंस और हमारे WH क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस कौन से होते हैं? वो क्वेश्चंस जिनका आंसर आप यस या नो में देते हो, ठीक। जैसे क्या उसने खाना खा लिया था, क्या वह घर जा चुका था, तो इनके आंसर्स आप सिंपली यस या नो में दे सकते हो। तो ऐसे सेंटेंस कैसे बनते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में? तो उसके लिए आपको सिर्फ आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसे को उठा के सब्जेक्ट से पहले लगाना होता है। कि इसकी फॉर्मेशन कैसे बनेगी फिर? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो लेट्स सी, क्या उसने खाना खा लिया था? हैड ही टेकन मील। क्या मैं घर गया था? हैड आई गॉन होम। क्या वे मैच जीत चुके थे? हैड द वन द मैच। क्या राम ने होमवर्क कर लिया था? हैड राम डन हिज होमवर्क। क्या तुमने खाना खा लिया था? हैड यू ईटन फूड। तो इस तरह से हमने हर एक सेंटेंस में अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है हैड उसको बिल्कुल सब्जेक्ट से पहले लगा दिया है। तो हमने सारे के सारे जो हमारे यस नो क्वेश्चंस हैं वो बना दिए हैं। तो इनका आंसर बिल्कुल यस या नो में हो सकता है, ठीक है। जो सेकंड कैटेगरी आपकी आती है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है, वो होती है हमारी WH की। मतलब उसमें आपको WH वर्ड्स दिखते हैं, लाइक व्हाट, क्या, वेयर, कहाँ, व्हेन, कब, ठीक है। इस तरह के आपको वर्ड्स दिखाई देते हैं और इनको बनाने के लिए आप WH को सबसे पहले लगा देते हो, ठीक है। सबसे पहले आपका WH आता है, फिर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है हैड वो आती है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट V3 और ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ऐसी कुछ फॉर्मेशन होती है। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस वन आल्सो। ओके, व्हाट हैड ही वॉच्ड ऑन TV? उसने TV पर क्या देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उससे पूछा कि उसने TV पर क्या देखा था, तो क्या, अब ये चीज़ आप यस या नो में आंसर नहीं कर सकते। आप उसको कहोगे कि उसने शक्तिमान देखा था, ठीक है, उसने कोई भी सीरियल देखा, ठीक है, तो आप उस सीरियल का नाम बताएंगे या जो भी चीज़ उसने देखी होगी। हु हैड क्लीन्ड द हाउस, किसने घर साफ किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उस पर्सन का नाम देना पड़ेगा, ठीक है, हु, किसने। व्हाट हैड शी कुक्ड फॉर डिनर, उसने रात के खाने में क्या पकाया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको उस डिश का नाम बताना पड़ेगा। ये यस या नो क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हमने WH यूज कर रखे हैं। वेयर हैड दे पार्क द कार, उन्होंने अपनी कार को कहाँ पार्क किया है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप उसके आपने वेयर जो कीवर्ड है वो यूज किया हुआ है। When had they visited their grandparents? कि अपने grandparents को उन्होंने last कब विजिट किया था। तो इस तरह से हमने उसके WH questions भी बना दिए हैं। Okay, so that's it guys, जो आपका past perfect tense से related था। अगर आपको study material चाहिए, PDF या presentations चाहिए हमारी, you can join our telegram group और वहाँ पे हम लोग हमारा सारा स्टडी मटेरियल जो फ्री में हम लोग अवेल करवाते हैं स्टूडेंट्स को वो शेयर करते हैं, ठीक है। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप और द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, इन केस नहीं कि आपको लगता है कि सर इस टॉपिक में हमें कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। यू कैन ईमेल अस ऑल्सो, ठीक है। और ईमेल इज sagaciousacademy.patiala@gmail.com। थैंक यू।